हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाते हैं कैसे स्ट्रेंथनिंग दो जब बिल्डिंग किया जाता है, बिल्डिंग की रिपेयरमेंट कैसे की जाती है जब बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब हो। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये बीम है, ये बीम जा रहा है, आपको दिख रहा है जैसे कि बीम की हालत देखिए कैसे क्रैक मार रखा है पूरा का पूरा। जैसे हम देख पा रहे हैं बीम में क्रैक आ पा रहे हैं, तो मान लीजिए इस बीम को और इस वाल को स्ट्रेंथनिंग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जितना भी लूज कंक्रीट है इसको निकाल देंगे। लूज कंक्रीट को निकालने के बाद में इसके ऊपर फिर बाद में स्ट्रेंथनिंग के लिए सबसे पहले रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो जितने का इस बीम में आउटर सरफेस पे, इस पर स्ट्रेंथनिंग के लिए इसको बीम या कॉलम जो भी है इसके ऊपर स्ट्रेंथ करनी जाएगी। तो इसको स्ट्रेंथ करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे जैसे ये कॉलम देख पा रहे हो, जैसे भी लूज कंक्रीट है इसको निकाल दिया गया है। अब इसके ऊपर ये सरियर बांध दिया गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर कास्टिंग कर देंगे, शटरिंग लगा के इसकी कास्टिंग कर देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, ग्लास फाइबर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इसके बाद इसको प्लास्टर करके एकदम सही कर देंगे, जैसे कि इस सरफेस जैसा बना देंगे। ये जैसे कि आप कॉलम देख पा रहे हैं, ये कॉलम देख पा रहे हैं ऐसा कर देंगे। इसके बाद इस कॉलम के ऊपर क्या करेंगे, ये जो दिख पा रही है आपको GIC, ये बोलते हैं ग्लास फाइबर सीट, जैसे कि आपको ये दिख पा रही है ग्लास फाइबर सीट, इसको बोलते हैं ग्लास फाइबर सीट, जैसे कि ये ग्लास फाइबर सीट है, इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर कास्टिंग कर देंगे एकदम प्लेन कॉन्क्रीट से, जैसे कि इसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे, जैसे कि ऐसे ये कॉलम पर कर रखा है प्लास्टर, जैसे कि इस कॉलम पर प्लास्टर कर रखा है, फिर ऐसी एकदम नई बिल्डिंग हो जाएगी। फिर बाद इसको पेंट कर देंगे ख़त्म, ऐसे करते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉलम एंड बीम।